उत्तर प्रदेश में अध्याशित परिवारों के लिए फैमिली आईडी एक परिवार एक पहचान योजना के क्रियान्वयन हेतु दिशा निर्देश के संबंध में भैया एक आदेश आया हुआ है। तो ये आईडी कैसे बनेगी इससे संबंधित चीज़ें हैं, तो मैं सोच रहा हूँ उनको बता ही देता हूँ। तो दोस्तों एक योजना आई है जिसके क्रियान्वयन के संबंध में एक आदेश आया हुआ है, काफ़ी लंबा चौड़ा है। इस वीडियो के बाद तुरंत कैसे बनवाने की प्रक्रिया उसके बारे में बात कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए क्या कह रहा है, कहा जा रहा है इस आदेश में, इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग, ठीक है। तो 6 अक्टूबर 2022 के माध्यम उत्तर प्रदेश अध्याशित परिवार हित फैमिली आईडी एक परिवार एक पहचान योजना का आरंभ किया गया है। दिशा निर्देश दिए गए, वो दिशा निर्देश क्या है इसके बारे में बात कर लेते हैं। जैसे नंबर एक की बात कर लेते हैं, तो वर्तमान में उत्तर प्रदेश में अध्याशित लगभग 3.59 करोड़ परिवार व 14.92 करोड़ व्यक्ति राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा से आच्छादित है। इन परिवारों का राशन कार्ड ही फैमिली आईडी है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना आच्छादित न होने वाले ऐसे परिवार जो राशन कार्ड के पास नहीं है, उन्हें फैमिली आईडी पोर्टल के माध्यम से फैमिली आईडी उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है। भविष्य में सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त करने हेतु फैमिली आईडी से सहूलियत होगी। जो परिवार सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं कर रहे हैं वे स्वेच्छा से फैमिली आईडी प्राप्त कर सकते हैं। फैमिली आईडी निर्मित करने हेतु ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया विस्तृत विवरण दिया हुआ है। परिवार साथ रहते हो जब तक पुत्र व्यक्ति जो परिवार के मुखिया का मऊ सदस्य पर आश्रित हो, जिसको परिवार के सदस्य रूप में जोड़ना चाहे। आवेदक परिवार का कोई वयस्क सदस्य जो फैमिली आईडी हेतु स्वयं व परिवार के सदस्यों की ओर से ऑनलाइन आवेदन कर रहा है। स्वीकर्ता अधिकारी से तात्पर्य है सरकारी क्षेत्र में संबंधित उप जिलाधिकारी के लिए खंड विकास अधिकारी से संबंधित ग्राम पंचायत अधिकारी या ग्राम विकास अधिकारी उसमें किसी प्रकार की कठिनाई उत्पन्न होने पर किसी प्रकार से परिवर्तन या परिवर्तन के लिए तथा संभव सचिव प्रमुख सचिव उत्तर प्रदेश शासन अधिकृत होंगे। यदि कोई आवेदक फैमिली आईडी निर्मित करने के लिए स्वयं आवेदन करता है तो किसी प्रकार यूजर चार्ज दे नहीं होगा। जनसेवा केंद्रों के माध्यम से आवेदन करने पर राज्य में जनसेवा केंद्र के परियोजना क्रियान्वयन के संबंध निर्भर आईडी इलेक्ट्रॉनिक अनुभाग शासन आदेश आईटी के बिंदु चार में उल्लिखित व्यवस्था के अनुरूप फैमिली आईडी एक परिवार एक पहचान के अंतर्गत फैमिली आईडी पोर्टल के माध्यम से फैमिली आईडी बनाए जाने हैं। उत्तर प्रदेश में अध्याशित परिवारों से जन सेवा केंद्रों पर शासकीय सेवा के प्रत्येक आवेदन के लिए ₹30 यूजर चार्ज किया लिया जाएगा, जिसमें विभिन्न प्रकार के स्टेक होल्डर्स का अंशदान होगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। DSP VLE 15 है, नियोजन विभाग 3 है, DIGS 10 है, CID है। फैमिली आईडी निर्मित करने हैं तो आवेदन सत्यापन की प्रक्रिया ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल की भांति होगी, और जिसके अंतर्गत
उल्लिखित परिवार परिवार के सदस्यों के सत्यापन शहरी क्षेत्र में उप जिला अधिकारी द्वारा संबंधित लेखपाल के माध्यम से तथा ग्रामीण क्षेत्रों में भी खंड विकास अधिकारी द्वारा संबंधित ग्राम पंचायत अधिकारी ग्राम विकास अधिकारी के माध्यम से किया जाएगा, जिसका विस्तृत विवरण संलग्नक 2 में है।